जिसमें हमारा प्रयास है कि लगभग 1,00,000 करोड़ का नया निवेश प्रदेश के अंदर होगा। ये हमारा जो प्रदेश के अंदर फरवरी में यूपी इन्वेस्टर समिट हुआ था, इन्वेस्टर समिट के समय जो हमारे साथ एमओयू हुए थे, आज भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि स्वीडन की ही स्वयं एक कंपनी यहां पर आई है जो 5,000 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर करना चाहती आइकिया के नाम पर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज प्रदेश को निवेश के लिए सबसे अच्छा स्थल के रूप में मान रहे हैं पर्यटन की दृष्टि से। और इन सब कार्यों में आज अगर प्रदेश काफी अच्छे स्थल के रूप में जाना जा रहा है, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रदेश में जो अराजकता थी, जो प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी थी, जो प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार राजनीतिक रूप से यहां पर पैदा किया गया था समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने, इन सभी किस अराजकता से, इनकी गुंडागर्दी से, इनके भ्रष्टाचार से मुक्त करा करके प्रदेश में विकास और सुशासन की जो एक सुदृढ़ नींव रखी गई है, प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो एक वातावरण दिया गया है, उसके कारण निवेश के लिए भी और पर्यटन के लिए भी ढेर सारी संभावनाएं प्रदेश के अंदर बनी है। और यह कारण है कि देश का भी और दुनिया का भी हर निवेशक प्रदेश के अंदर आज निवेश करने का इच्छुक है। सप्लीमेंट्री बजट के साथ ही विभिन्न विभागों ने जिस तीव्रता के साथ प्रदेश के विकास के साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए और केंद्र सरकार की उन फ्लैगशिप स्कीम के लिए भी जो धनराशि आवंटित की थी, जिस तेजी के साथ उसे आवंटित करके और उस पर उस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। पहली बार हुआ है कि जब नवंबर तक 2,63,000 करोड़ रुपए से अधिक विकास की योजनाएं प्रदेश के अंदर बजट में पास होने के बाद उन योजनाओं पर खर्च भी किया गया है। बाकी बहुत सारी चीजें होंगी, इस पर चर्चा भी होगी, हम लोग बाकी चीजें वहां पर रखेंगे, लेकिन सप्लीमेंट्री बजट के कुछ जो बुलेट पॉइंट थे मैंने कहा आपके सम्मुख रखूं।